हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं आपको देखिए कच्ची कैरी यानी कच्चे आम से जा रही हूँ रेसिपी बताने। क्या बनाना है क्या बता रही हूँ, देखिए। ये कच्चा आम ले ली हूँ मैं, ये हाफ के जी है। और ये मसाला है जो मैं इसमें डालूँगी, ये सब खड़ा मसाला है। और कुछ मैं पाउडर भी डालूँगी, पर खड़ा मसाला जो अभी मैं डालूँगी इसमें तुरंत वो वाला मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सभी आम को अच्छी तरीके से छील के और मैं इसको ठंडा पानी में डालूंगी। ये मसाला में मैं ली हूँ काला कलर का कलौंजी जो है वो है, जीरा है, उसके बाद आपका ये सरसों है, काला सरसों, मेथी और दो सूखा मिर्च है। सभी आम को अच्छी तरीके से छील लेना है। अभी आम का सीजन है ना, तो कच्चे आम का आप कुछ ऐसा भी रेसिपी बना सकते हैं। तो मैं आपको कच्चे आम से भी कुछ रेसिपी दूंगी, आप देखिए मैं आज जो बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारा आम को मैं अच्छी तरीके से छील के इसको ठंडा पानी में थोड़ा देर छोड़ देना है। ठंडा पानी में इसको आराम से कुछ देर 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। और उसके बाद मैं इसको पतला पतला से इसका कटिंग करूँगी। इसके अंदर आठी हो गया है फ्रेंड, तो इस तरीके से साइड से निकालूंगी जितना भी है। पहले इसका कटिंग करके निकाल लेना है और उसके बाद मैं इसका पतला पतला कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से आठी हो गया है फ्रेंड, तो आठी को निकाल दीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से सभी को पतला पतला कटिंग कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा पतला करने से क्या होगा, बनाएंगे ना तो उसके बाद ये पूरा गल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा मोटा रहने से होता है क्या, वो पता चलेगा आपका। देखिए इस तरीके से मैं सबका अच्छी तरीके से कटिंग कर ली हूँ, काट के इस तरीके से आप कर लीजिए। अब आगे बताती हूँ क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे, और गैस पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच तेल रखूँगी, सरसों तेल आप रखें। जब तेल आपका गर्म हो जाए तो मैं इसमें जो खड़ा मसाला सब रखी थी ना उधर, वो रखूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हींग यूज करना है, 1/2 चम्मच आप हींग डालें। हींग डालना है, जब हींग आपका अच्छी तरीके से चटक जाए तो मैं इसमें जितना खड़ा मसाला रखी थी वो डालना है। बस आप ना मेथी और मंगरेला जो है कलौंजी काला वाला वो ना डालें तुरंत, वो डालना है वो हमें जो मैं डालूँगी उसमें, उसको डालने के बाद ना तुरंत आम को डाल देना है, क्योंकि कलौंजी को जलना नहीं, मतलब उसको चटकाना नहीं है, नहीं तो उसका टेस्ट जो है कड़वा आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लास्ट में हम कलौंजी डालेंगे, ठीक है, मेथी और कलौंजी लास्ट में डालेंगे। ये देखिए हमारा चटक चुका है, तो अब मैं इसमें मेथी और कलौंजी दोनों डालूंगी और तुरंत मैं आम जो काट के रखी हूँ कैरी वो इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसको थोड़ा देर चलाइए। अब इसको इस तरीके से चलाइए। इसको चलाते हुए 2 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस 2 मिनट आप इसे भूनें। और उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी, जो सूखा मसाला है उसको ऐड कीजिए।
और ये बन के बहुत अच्छा तैयार होता है। 15 दिन आराम से बना के इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब ये पराठा या चटनी आप जो है पराठा के साथ, चाहे आलू पराठा के साथ ले सकते हैं, आलू पराठा के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, वेस्टम वेस्ट है। और ऐसे आप पराठा के साथ भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है, बन के बहुत अच्छा तैयार भी हुआ था ये हमारा चटनी, हम की लौंजी बन के आपका तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा बन के तैयार भी हुआ था, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। से आम का सीज़न है तो अभी कुछ कुछ तो बनना ही चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको भूनने के बाद मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी। इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं, बस अब 2 मिनट से 3 मिनट इसको भूनने, ज़्यादा देर नहीं भूनना है। और जब यह इसका भुना जाएगा तो फिर मैं इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच यूज कीजिए, कलर के लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, कलर अच्छा आएगा, क्योंकि कश्मीरी मिर्च ना तीता नहीं होता है, तो आप 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। और इसमें 1/2 चम्मच आप हल्दी यूज करें। ये चाट मसाला है। चाट मसाला डाली हूँ 1 चम्मच, आप 1/2 चम्मच चाट मसाला डालें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। अब इसमें बस हो गया मसाला, अब इसको चलाना है। और चलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी, और इसमें लास्ट में ना अभी मैं गुड़ डालूंगी। अगर आपके पास मिश्री है तो मिश्री से भी बना सकते हैं, अच्छा रहेगा। और हल्का सा नमक डालें, और मैं लास्ट में भी नमक डालूंगी, इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा हल्का ही नमक डालिएगा। अब उसके बाद में इसमें आप अगर आपके पास अगर मिश्री है तो मिश्री से बनाइए, वो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं मिश्री नहीं था तो मैं गुड़ से बनाई हूँ, तो गुड़ से भी आप बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। या फिर आप चीनी से भी बना सकते हैं, ऑप्शन आपके पास 3 है, आप कुछ भी यूज कीजिए। तो मैं गुड़ से बनाई थी, ये देखिए इतना, ये 1/2 kg आम में मैं 200 ग्राम तक गुड़ डाली हूँ। अब डालने के बाद इसको इसी तरीके से चलाना है, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी, आप 1/2 कप पानी इसमें डालिए। बस हो गया, पानी इतना डाल दिए हैं। अब इसको क्या करना है, आप गैस का फ्लेम को कम कर दीजिए, और इसको आराम से आप बनने दीजिए। जब ये बन के देखिएगा कितना सुंदर कलर के साथ ये बन के तैयार होगा हमारा। आप इसे बना के आराम से रख दीजिए, बहुत अच्छा रहता है चटनी, पराठा पूरी, किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं। लास्ट में मैं थोड़ा सा काला नमक डालिएगा, जिससे कि आपका इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा चटपटा सा बन के तैयार होगा, क्योंकि मैं इसमें चाट मसाला, बाकी भी मसाला जो था वो सब डाली हूँ, तो अच्छा बन के तैयार होगा, खट्टा मीठा सा लगेगा अच्छा। ये आम जो था ना बहुत ज़्यादा खट्टा था, इसलिए मैं गुड़ थोड़ा ज़्यादा यूज की हूँ। ऐसे मिश्री भी आप डाल सकते हैं, या फिर चीनी से भी बना सकते हैं। ज़्यादा वेस्ट तो ये मिश्री से ही रहता है बनेगा, जो ताल मिश्री होता है ना उससे। देखिए गुड़ से बनाई हूँ इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, पर बहुत अच्छा बन के ये तैयार हुआ था। अभी थोड़ा सा इसका ना पतला दिख रहा है ना, थोड़ा देर मैं छोड़ूंगी तो बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, और बहुत अच्छा बन के तैयार भी हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर कीजिए ऐड के साथ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कैसा वीडियो आप लोगों को लगता है हमारा। कोशिश तो करती हूँ कि हर दिन कुछ नया रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दूँ, और अच्छा से अच्छा दूँ, और ज़्यादा मेहनत ना पड़े इस बात का भी ध्यान रखती हूँ कि चटपट में बनने वाला रेसिपी दूँ, जो बनाती हूँ वो शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट है।